टुडे आई सॉल्व क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर थ्री नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको डेसिमल फॉर्म में पहले करना है, उसके बाद आपको बताना भी है कि ये जो डेसिमल आया है वो किस एक्सपेंशन का है, वो किस प्रकार का है। ठीक है, तो डेसिमल जो एक्सपेंशन आएगा वो दो टाइप का होगा, एक होगा टर्मिनेटिंग और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले तो आपको हम ये सिखाएंगे कि किसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे और किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, और साथ में आपको कैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये भी सिखाएंगे। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बुक को हटा लेते हैं और रफ पेज पर आएंगे। अब देखो 36/100 है ना, पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, तो 36 में 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 36 में 100 से डिवाइड। तो रफ पेज में चले जाएंगे और 36 में 100 से डिवाइड कर देंगे। ये तो नहीं जा सकता, डिवाइड तो हो नहीं सकती क्योंकि ये इससे स्मॉल है, तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, एक हम ले लेंगे 0 पॉइंट। ठीक है, अब जैसे हमने पॉइंट लिया ना, जब जब आपको यहाँ पर 0 की नीड होगी आप रख सकते हो, कितना 0, तो 1 0। तो हमें एक नीड है 0 की, हमने यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे और 360 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स में जाएगा 300। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे ये 0 और यहाँ से क्या आएगा 6। ठीक है, ये तो कैंसिल। अब हमें एक और 0 की नीड है, तो हमें पॉइंट जब दे दिए तो यहाँ पर एक 0 की जब जब नीड होगी आप रख सकते हो। अब इसको करो तो 100 6 जा 600, ये देखो कंप्लीट हमारा कट गया। तो कंप्लीट कट जाएगा तो समझो कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, याद रहेगा टर्मिनेटिंग। जो कंप्लीट नहीं कटेगा यानी बार बार एक ही लेटर आते रहेगा, ठीक है, एक ही डिजिट आते रहेगा, लेटर नहीं आएगा डिजिट आएगा, एक ही डिजिट बार बार आएगा तो समझ जाना कि वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है, आप क्वेश्चन करोगे ना आपको पता चल जाएगी किससे हम टर्मिनेटिंग बोल रहे हैं, किससे नॉन टर्मिनेटिंग। आगे क्वेश्चन में आपको और इसके बारे में पढ़ना है, क्लास टेंथ में भी पढ़ना है, तो आप टेंशन ना लो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 36 में 100 से जब हमने डिवाइड किया इतना इसका रिजल्ट आया है, यहाँ पर लिख दो 0.36 इसका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट आया है तो आपको ये बताना है, डेसिमल फॉर्म में हमने तो कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, अभी बताना है। तो देखो तो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखो पूरा पूरा कट गया है इतने टाइम्स में, तो हम बोलेंगे क्या, टर्मिनेटिंग, यानी जो पूरा पूरा कट जाएगा, एक ही चीज़ बार बार नहीं आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, यहाँ पर लिख दो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ रही है ना, एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, आ जाओ इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। ठीक है, 1/11 है, वन में क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए वन में हम 11 से पहले डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा ना तो 0 पॉइंट ले लेंगे। अब हमें जितना 0 की नीड होगी वो 0 रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट ले लिए, एक 0 हम दे सकते हैं, लेकिन 2 0 3 0 नहीं दे सकते हो, क्यों, क्योंकि जब 0 पॉइंट लगाते हैं इसका मतलब होगा कि जब जब एक 0 की नीड होगी आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो अभी भी और एक 0 की नीड है, तो जब हम एक और 0 देंगे तो यहाँ पर एक 0 बैठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल सीखो। अब एक 100, अब 100 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में 99, यहाँ से क्या आएगा, 1, क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम अगेन क्या करेंगे, अगेन हम एक और 0 रखने की हमें अनुमति है क्योंकि हम पॉइंट लगाए हैं, लेकिन अभी भी इसका काम बन नहीं रहा है, नहीं बन रहे तो फिर क्या करेंगे, एक और 0 देंगे, लेकिन जैसे ही एक और 0 रखेंगे ना यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करो
फिर 11 9 जा 99, यानी एक बात देख रहे हो क्या, यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, यहाँ भी वन आया था यहाँ भी वन आया, मतलब बार बार 0 9 आपको आएगा। तो हम इसका रिजल्ट जानते हो कैसे लिखते हैं, सिर्फ 0 पॉइंट, और ये जो 0 9 है, एक बार यहाँ आया एक बार यहाँ, अगले बार भी आएगा 0 9। इसका मतलब है कि 0 9 जो है ना बार बार आने वाला है, तो 0 9 पर रेकरिंग लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, रेकरिंग, कि ये चीज़ बार बार आएगा। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जिस पर रेकरिंग लगा रहता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ बार बार आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0 9 क्या होगा, बार बार आएगा। इस पर हम क्या लगा दिए, रेकरिंग, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0.09, और इस पर लगाएंगे रेकरिंग। क्या हो रहा है, रेकरिंग का मतलब कि बार बार आ रहा है, जैसे हमने चेक भी किया डिवाइड करके, ठीक है। तो जब बार बार आएगा, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो फिर इसे क्या बोलेंगे, आपको हमने अभी बताया ना कि इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लिखो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, ये बहुत ईजी है ध्यान से करोगे तो, ठीक है। हाँ एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिनको क्लास 9 की पूरी मैथ पढ़नी है, होल कोर्स पढ़नी है, वो हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, उस पर आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि हम यूट्यूब से ना पढ़ करके ऐप से पढ़ें, जो कि सीरियल वाइज मतलब पढ़ाया जाता है, वहाँ पर नोट्स भी मिलता है, कोई डाउट आता है आप डाउट भी पूछ सकते हो, साथ में अपना जो भी होगा आपको, जैसे मेरे से बात करना होगा तो डायरेक्ट हमारे ऐप के थ्रू ही मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पर क्यूज भी कर सकते हो, लाइव टेस्ट भी दे सकते हो, ऑनलाइन क्लास भी चलेगा वहाँ पर, लाइव क्लास सारे आप अटेंड कर पाओगे। उसके लिए मात्र आपको 499 का फी लग रहा है। जिनको ज्वाइन करना होगा, जा कर के आप लोग इस नंबर पे कॉल करिएगा, 8383896119 पर, इस पे कॉल करके, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ऐप का, जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, बाकी आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से फुल कोर्स 9 की पूरी मैथ 499 में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ज्वाइन करना होगा, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, 4 इंटीजर 1/8 है, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसे ब्रेक करेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33, 33/8 हो गया। अब 33 में 8 से डिवाइड करना है, हम क्या करेंगे, हम आएंगे आराम से रफ पेज पर और 33 में 8 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में जाएगा 32, यहाँ से 1 आ गया, अब तो नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 रखने की नीड हो गई, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब चलो 8 1 जा 8 ही होता है, यहाँ से आया 2, और एक पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ पर 1 0 तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 जा 16, यहाँ से 4 पॉइंट लगाए तो 1 0 दे सकते हैं, तो अब 8 5 जा क्या हो गया, 40, यानी पूरा पूरा देखो कंप्लीट कट गया इतने टाइम्स में। जब हमने इसको डिसिमल फॉर्म में किया कितना आया, 4.125, यानी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये है टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है टर्मिनेटिंग है, ठीक है। समझ में आ रही बात है ना, बहुत ईजी है, बस ध्यान से करो ना, सारे बना डालोगे, ठीक है। इसका 4 नंबर देखो, 4 है 3/13, देखो देर तो लगेगा लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई कठिन नहीं है, बस सही से करना सीख जाओ एक बार। चलो इसको करते हैं, और 3 में 13 से डिवाइड करना है, नहीं जा सकता कभी भी, तो हम लेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 0 रख सकते हैं। अब 13 3 जा 13 3 13 3 ज़्यादा हो जाएगा, 13 2 जा 26, यहाँ से आएगा 4, पॉइंट है तो 1 0 दे सकते हैं। 13 3 जा 39, यहाँ से आ जाएगा 1, अब यहाँ पर 1 0 तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा, तो एक और 0 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो 13 7 जा 91, यहाँ से आएगा ये 9, ठीक है, 1 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 दे सकते हैं। अब 13 6 जा करेंगे, 13 6 जा 78, यहाँ से कितना होगा, ये 2 और यहाँ से ये 1, अभी भी नहीं कट रहा है, एक और दे सकते हैं, एक और हम क्या करते हैं, 0 दे सकते हैं,
कितना आएगा? 39 जा 117 आएगा ना, 117 आएगा, 39 जा 117 होता है, यहाँ से कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखो जो 3 है ना, एक और 0 दे सकते हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पर 0 दिया ना, अगेन हमारा फर्स्ट वाला काम स्टार्ट हो गया, यानी जब भी हम इसको आगे भी डिवाइड करेंगे यही चीज़ फिर बार बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 30 आ गया, शुरू में 30 तो था ही, फिर बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि 23076 जो है बार बार आने वाला है। तो फिर इस पर क्या लगाएंगे, रेकरिंग, यानी इसका जो रिजल्ट आया क्या आया, 0.23076 9, इस पे लगाएंगे रेकरिंग। ठीक है, अब जैसे हमने रेकरिंग लगाया ना, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो अगेन देखते हैं, 5 क्वेश्चन, 5 क्या है, 2/11 है, 2/11 है, यानी 2 में 11 से डिवाइड करनी है। आ जाओ करते हैं, 2 में 11 से नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, इसमें एक 0 रख सकते हैं, 11 वन जा 11, यहाँ से आ गया 9, एक 0 तो रख ही सकते हैं क्योंकि पॉइंट लिए हैं। अब 11 एट जा क्या कर देंगे, 88, ये देखो यहाँ से आ गया 2, पॉइंट लिए तो एक 0 दे सकते हैं, देखो यहाँ 2-0 से शुरू हुआ था ना, यहाँ भी 2-0 आ गया, यानी मतलब है कि बार बार 1-8 आएगा, इस पर क्या लगाएंगे, रेकरिंग, यानी 0.18 आ गया, क्या आया, 0.18 पर रेकरिंग, क्योंकि बार बार आने वाला है। तो फिर इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट 6, 6 क्या है, 329/400। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 329 में और 400 से डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड थोड़ा बड़ी है तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आपको सिखा तो दिए ना कि कैसे करना है, थोड़ा बड़ी है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, या छोड़ो कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करेंगे, हम हाथ से ही करेंगे, कोई बात नहीं कितना भी देर लग जाए। चलो हम क्या करते हैं, या देर लग जाएगा यार, क्या है टाइम बर्बाद करेंगे, 300, अच्छा 329 में डिवाइड करना है 400 से, क्या आया, यह है 0.8225, 8225, यानी इतने टाइम में क्या हो गया, कट जा रहा है। ठीक है, हम लिख देंगे डायरेक्ट ही, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 0.8225 आया, जो कि ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो फिर बोलेंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ध्यान रहे ना कि हमने जो डिवाइड किया है लास्ट वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर से किया है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप लोग इससे नहीं करिएगा, ठीक है, ये बहुत खतरनाक है, आपका माइंड को मतलब स्लो कर देगा। ठीक है, आप बार बार इसी को खोजने लग जाओगे, तो खुद से करना, क्योंकि हमने 1 से 5 तक किया था, ये बड़ी थोड़ा डिवाइड था, हमने सोचा कि देर लग जाएगी इसलिए हमने कैलकुलेटर से कर ली, क्योंकि तो आप लोग का टाइम भी बचाना है हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये बात को समझो, और जिनको लाइव क्लास पढ़नी है जा करके कार्ब अकाडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप लाइव भी क्लास कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखे हैं हम, देखो यहाँ पे ये देखो। ठीक है, ये क्या बोला है, यू नो डैट 1/7 = 0.142857, यानी बार बार ये चीज़ आ रही है क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डिसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो क्वेश्चन का मतलब है ना कि आपको पहले से ये बोला है कि आप जानते हो कि 1/7 को जब डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आएगा 0.142857। ठीक है, और इस पे है रेकरिंग। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, तो अब आप बताओ कि 2/7 होगा तो क्या होगा, आप ये बताओ,
कि 3/7 होगा तो क्या होगा, अब ये बताओ कि 4/7 होगा तो क्या होगा, अब ये बताओ कि 5/7 होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये बताओ कि 6/7 होगा तो क्या होगा, ये बताना है। तो पता है कैसे करेंगे, बहुत इजी मेथड है। देखो ये 2/7 जो है ना ऐसे तो आया होगा, ये 1/7 इंटू टू होगा, इसका मतलब क्या है, 1/7 इंटू टू करेंगे तो 2/7 ही आने वाला। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना, ये 1/7 का जो वैल्यू है 1.14287 है, और 2 का क्या है, 2 ही रहेगा। अब इसको मल्टीपल करके आंसर लिख देंगे, कितना सिंपल तरीका है। तो अब देखो डिवाइड मल्टीपल करने में हमें टाइम लगेगा मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन आप लोग खुद से करना, हम अभी नहीं अभी कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं अभी अपने हाथ से ही करते हैं, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो आगे चल करके इन लाइफ, नहीं तो आप लोग का भी आदत बन जाएगा। इसको करना है 2 से, ठीक है, तो 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 कैरी 1 11, 2 8 जा 16 कैरी 17 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9 कैरी नहीं है, 2 1 जा 2 और पॉइंट ये 0, ये देखो इतना आ गया, कितना आया, और इतना ही होगा ना, हमको लगता है मिस्टेक हो गया यार, ये 5 ही डिजिट में हमने ख़त्म कर दिया, ये 14 की 4 कैरी 1 10 11 16 17 2 2 जा 4 और यहाँ पर 5 होगा, 2 2 जा 4 और 5, 2 4 जा 8 यहाँ पर 8 होगा, इतना होगा 0.28571 होगा, क्या होगा 0.28571 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लास्ट में यहाँ पर रेकरिंग को लगा है तो लगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये रेकरिंग है, रेकरिंग छोड़ना नहीं है, रेकरिंग रखना है, ठीक है, समझ में आ रही है बातें, दिख रहा है ना। चलो अबे 3/7 है तो 1/7 इंटू कर देंगे 3, तो 1/7 का तो रिजल्ट पता है कि 0.14287 ये बार बार आ रहा है, और इस पर है रेकरिंग, इसको किससे कर देंगे 3 से, जल्दी ही हो जाएगा, इसको भी मल्टीपल कर देंगे 0.14287 में 3 से करनी है, करो 3 7 जा 21 कैरी 2, 15 17 कैरी 1 और 2 3 8 जा 24 और कैरी 1 35 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 12 3 और 4 इंटू 0, इतना हो गया, लिख लेंगे 0.42851 योर रिजल्ट, और यहाँ पर एक रिंग लगा देंगे, ठीक है, समझ में तो बातें आ ही रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना, आ रहा है ना सब कुछ समझ में। चलो नेक्स्ट 1/7 × 4, अब इसको कर दो, तो 1/7 का वैल्यू है 0.14287 × 4, कैलकुलेटर का मेरे दोस्त आप लोग यूज नहीं करना, ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ओ माय गॉड, चलो मेरा पेज ही उड़ गया था यार, अभी इसको हम खोज कर ला रहे हैं, बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को पढ़ाना है यार, आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है। चलो इसको मल्टीपल करते हैं, 0.14287 4 से करना है, कर दो, 7 4 जा 28 कैरी 2, 20 और 2 22 कैरी 2, 32 और कैरी 34 कैरी 3, 8 और 8 से और 3 से करेंगे, 8 और 3 11 कैरी 1, ये 16 और ये हो जाएगा 17 और ये 4 5 × 0, इतना हो जाएगा, ठीक, इसको लिख लेते हैं 0.571428 और इस पर लग जाएगा रेकरिंग, यहाँ रेकरिंग छूट गया, छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 1/7 × 5, तो 1/7 का वैल्यू 0.14287 × 5 से मल्टीपल कर देना है, तो एक काम आपको
होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है 1/7 × 6, इसका वैल्यू 0.142857 इंटू 6, यहाँ रेकरिंग है तो रेकरिंग रखेंगे। इन दोनों का होमवर्क है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, 0.6 पर रेकरिंग है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लेट कर लेंगे एक्स लेट। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 6 के लिए, ठीक है, 9th के लिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0.6 और इस पर है रेकरिंग, ठीक है। अब देखो तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब है कि बार बार ये चीज़ आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि एक्स इक्वल टू ये 0.6666, यानी ये चीज़ें बार बार आ रही होगी और ऐसे ही चलती होगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अब बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब आप कहोगे सर 10 से क्यों मल्टीप्ल कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, करो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। तो लिखेंगे वी मल्टीप्लाई इट विथ 10 ऑन बोथ साइड। देखो याद रखिएगा मैथमेटिक्स का रूल होता है, जब बीच में इक्वल हो और दोनों तरफ एक ही काम किया जाता है तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप हो और हम हैं, हम दोनों के पास है 10 10 रुपीज, और किसी ने हम दोनों को क्या कर दिया और 10 10 दे दिया, तो क्या हम लोग बड़े छोटे हो जाएंगे, इक्वल ही रहेंगे। आपके पास भी 20, मेरे पास भी 20। तो ये रूल होता है मैथमेटिक्स का कि जब दोनों तरफ एक ही चीज़ किया जाता है तो कोई डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। या ऐसे भी एग्जांपल ले लो, आपके पास है 10 रुपीज़, मेरे पास है 20 रुपीज़, या ऐसे करो ना, आपके पास 20 रुपीज़, हमारे पास 10 रुपीज़, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, पहले ये चेक कर लो कि आपके पास 20 है, मेरे पास 10 है, तो आपको आपके पास मेरे से 10 रुपीज़ ज़्यादा है। यदि कोई इंसान आकर के मेरे को देता है 10 रुपीज़ और आपको भी 10 रुपीज़, तो पहले भी आपके पास 10 रुपीज़ ज़्यादा था और अभी भी आपके पास 10 रुपीज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरे पास 20 होगा, आपके पास 30, यानी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। वही हम काम किए हैं कि दोनों तरफ मल्टीपल कर दिए 10 से। क्यों भाई, क्योंकि हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में करनी है। जब 10x से मल्टीपल करेंगे तो 10x होगा, और इसको जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 0 पॉइंट हट जाएगा, आ करके यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब 10 से मल्टीपल करके चेक कर लो, हम आपको चेक करा देते हैं। अब हम लिए हैं यहाँ पर कैलकुलेटर, कर देते हैं 0 पॉइंट नहीं हो रहा है क्या, 0 पॉइंट हो रहा है 0.6666 में 10 से करेंगे, देखो क्या आएगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी डॉट डॉट बार बार ये 6 6 बार बार आएगा ही आएगा। एंड जब हम इसमें 10 से मल्टीपल किए तो क्या आया, 6.66, ये चीज़ें बार बार आ रही होगी डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ से 0 हट जाएगा 10 से मल्टीपल करने पर, ये रूल सीखो, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ध्यान देना, ये 10x का 10x, और एक बात रखिएगा, याद रखिएगा, जब बीच में इक्वल का साइन आता है ना, यहाँ पर इम्प्लाई डेट का साइन देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। अब यहाँ देखो ये 6.66 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 6 + 0.666 डॉट डॉट डॉट, जब हम इसको ऐड करेंगे ये वाला चीज़ आ जाएगा, उसी के बदले तो हमें लिखे हैं, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पी बटा क्यू के फॉर्म में करना है। आगे बढ़ते हैं, ये 10x इक्वल टू ये 6 अब प्लस, अब एक बात बताओ, जो 0.66 डॉट डॉट है इसको हम क्या लेट किए थे, देखो इसको हमने x लेट किया था, तो इसके बदले हम x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लिख लो x। अब देखो x प्लस है, इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6।
इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 9x इक्वल टू 6। यहाँ से देखो x इक्वल टू 6 बाई ये मल्टीपल है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर दो 3 2 6 3 3 9 ये 2 होगा। तो यानी x का जो वैल्यू आया क्या आ गया 2/3। और ये जो आया है ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या? बिल्कुल है, ये p है क्यू, क्यू का वैल्यू 0 नहीं है यानी p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमने सल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है, पक्का पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन है, आ जाओ उसको भी करते हैं सल्व, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, ओके। चलो क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड, 0.47, लेकिन ध्यान देना 0.47 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है कि सिर्फ 7 पर ही रिकरिंग है, ये 4 बार बार नहीं आ रहा है, ये 7 बार बार आ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जस्ट वैसा ही रूल है, कुछ चेंजिंग नहीं है। पहले तो करो लेट लेट एक्स इक्वल टू 0.47 पर रिकरिंग, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स इक्वल टू 0.4, ये जो 7 है बार बार आ रहा होगा, 7 जो है ये बार बार आ रहा होगा डॉट डॉट डॉट, इसको हमने इक्वेशन कर लिया फर्स्ट। अब इसको क्या करते हैं, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, वही सेम रूल वी मल्टीप्लाई इट विथ 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 10 से जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10x, इसको जब 10 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हट करके पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 4.777 डॉट डॉट ऐसे करके आया होगा। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो, आखिर कहो कि सर उस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं किया था आपने, आगे आकर के सल्व किया था, लेकिन इसमें क्यों कर रहे हो? तो देखो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ दिया है, जैसे दोनों पर एक नहीं रहता तो हम कर सकते थे, लेकिन एक डिजिट छोड़ दिया है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक बार और इसको क्या करेंगे मल्टीपल, तभी तो दो डिजिट का बनेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट यहाँ दिया है ना, तो इसको भी दो डिजिट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें एक और 10 से मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। तो क्या हो जाएगा इसमें 10 से करेंगे तो ये 100x हो जाएगा इक्वल टू, इसमें करेंगे 10 से तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना इधर आकर लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, हमारा काम हो गया 100x इक्वल टू, ये 43 है ना, 43 के बदले जानते हो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अब 47 के बदले 43 प्लस 0.777। अब दोनों को ऐड करोगे तो वही वाला सेम चीज़ आएगा, कोई तो दिक्कत नहीं है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये 100x इक्वल टू ये 43, और इसको हम क्या लेट किए हैं ऊपर में देखो x लेट किए हैं, तो हम इसको क्या कर दिए इसके बदले x लिख लिए। अच्छा x किए हैं कि 10x किए हैं, देखो तो x किए हैं 10x किए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि 43 और इसको हम 4 लिखेंगे, यार मिस्टेक हो गया था, 43 प्लस 4.77 करें तभी तो 47 होगा। माइंड में चलता है कुछ और, हमको लगता है ना कभी कभी, देखो मिस्टेक होता है मेरे से कि हम माइंड में सोच लेते हैं कुछ और लिख देते हैं कुछ और, मतलब हमारे मन में है कि हम 43 प्लस 4.77 लिखे हैं, लेकिन लिखाया जाता है कुछ और, तो कभी कोई छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है हम लोग से बार बार पढ़ाने की वजह से, यार दिन भर पढ़ाते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 43 और ये 4.77, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं 10x, x नहीं बल्कि 10x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 100x और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 43, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 90x हो जाएगा,
इक्वल टू 43। अब इन मल्टीपल कर रहा है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 43/90 ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इक्वेशन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ना कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना, किसी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलो इसमें देखो एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़कर क्या फ़ायदा। इस पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना बहुत ही जी सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, ये थोड़ा लगता है टफ लेकिन है बहुत इजी। 0.001 यानी तीनों पर एक रिंग है तो इजी हो गया, तीनों मतलब सभी पर एक रिंग रहता है ना तो फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले वही सेम कंडीशन, लेट एक्स इक्वल टू 0.001 और इस पे है रिकरिंग। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 0. ये 0.001 है ना, ये बार बार आ रहा होगा, ये क्या हो रहा होगा, बार बार आ रहा होगा, हमने ऐसा कर लिया। अब इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट है, इसमें कितना से करना होगा, 1000 से करना होगा, सिंपल बात है। जब 1 डिजिट 10 से, 2 डिजिट 100 से, 3 डिजिट 1000 से करना होगा, 1000 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। ओके, यहाँ पर बाई लिख लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x। अब देखो ये पॉइंट है ना, 1000 से मल्टीपल करेंगे पता है क्या हो जाएगा, 1 क्या आएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यानी 1.001001001 डॉट डॉट ये चलते रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि 1000x इक्वल टू इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, 1+0.001001 इसको ऐड कर देंगे, ये चीज़ आ जाएगा। अब देखो तो 1000x इक्वल टू ये क्या हो गया, ये 1 का 1 अब प्लस, ये हम क्या लेट किए थे, इसको देखो तो x लेट किए थे, ये हो गया x। अब क्या करेंगे, 1000x ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा 990x इक्वल टू 1। एक्स में इतना मल्टीपल कर रहा है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड 999, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन थर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन फोर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर देखो वो भी मतलब इजी है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। कहाँ पर है वो, इस पे रखे हैं, नहीं क्वेश्चन फोर हाँ यहाँ है, ये देखो क्वेश्चन फोर भी बहुत इजी है, सेम वैसा ही है जैसा थर्ड हमने बनाया। एक्सप्रेस 0.999 डॉट डॉट इन द फॉर्म P/Q, आर यू द सरप्राइज योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई आंसर मेक्स सेंस। मतलब इसको क्या करना है, बनाओ और आप सरप्राइज हो जाओगे कि आंसर ऐसा क्या होता है। चलो पहले हम बनाते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद चर्चा होगी हमारे और आपके बीच। ओके, तो इसको पहले लेट कर लेंगे एक्स, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बना दो, लेट एक्स इक्वल टू 0.99999 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, अब कहोगे सर कितना से मल्टीप्लाई करें, इसको 10 से कर दो। आप कहोगे सर ये देखो तो ये चीज़ बार बार मतलब इस कितना 5 बार आया है, 5 बार आने से मतलब नहीं है, इस पे कोई रेकरिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें 9 है सिर्फ, मतलब 9 पर सिर्फ रेकरिंग है, 9 पर ही रेकरिंग होता है ना, तो मतलब बार बार आता है, इसको कितना से करना होगा, 0 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है यानी 10 से करना होगा। तो बोथ साइड समझ में आ रहा है बात है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसको करेंगे तो 9.9999 आते जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 10x बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी है। 10x इक्वल टू इसको क्या ले सकते हैं, ये 9+0.999 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू
ये 9 और इसके बदले क्या लिख सकते हैं x। अब क्या हो जाएगा, ये 10x और ये प्लस रह जाएगा तो माइनस इक्वल टू 9। तो यहाँ से 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा 9/9 कट करके 1, यानी x का जो वैल्यू आया 1 आ गया। ठीक है, तो देखो तो आपको यही बताना था कि डिस्कस कीजिए कि इतना और इतना में क्या सेंस लगा रहे हो। तो सेंस क्या है, बहुत एक छोटा सा मतलब क्या बोलेंगे, अंतर है, डिफरेंस है। तो लास्ट में लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.999 एज डॉट डॉट है स्मॉल, मतलब दोनों में डिफरेंट जो है बहुत एक छोटा स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन 4 समझ में आ गया होगा। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन 5 से सल्व करेंगे, और जिनको लाइव क्लास करनी है, ठीक है, नोट्स चाहिए और मेरे साथ बातें करनी है, क्यूज करना है, जो भी डाउट होगा, टेस्ट सीरीज देना है, लाइव पढ़ना है पूरी फुल कोर्स मैथ की, तो आप हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। और उसके लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि 8383896119 पर कॉल करके आप सर से बात कर सकते हो, और साथ में आप प्ले स्टोर पर जाकर के कार्व अकाडमी ये डाउनलोड कर लेना ऐप, वहाँ से अपना जाकर कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जो कि वहाँ पर दिव्य बैच स्टार्ट है क्लास 9 की। तो दिव्य बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको 499 लगेगा। ठीक है, जाकर के आराम से लाइव क्लास करो यार, पूरा 100% मैथ कंप्लीट करने की फुल गारंटी लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।